उन्होंने लोकसभा में वॉकआउट किया। इससे साफ जाहिर होता है कि वो चाहते हैं कि ये ट्रिपल तलाक का इश्यू बना रहे। हम जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के लिए लोकसभा में बहुत बार प्रेशराइज करे और बहुत सी चीज़ें बताए, लेकिन मुझे आशा है कि सभी प्रतिपक्ष के लोग इस बिल के मर्म को समझेंगे और समर्थन करेंगे। विपक्ष मान रहा है कि एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के अंदर जाना चाहिए। ये कोई जुमला नहीं है, कोई नारा नहीं है, ये कानून बनने जा रहा है। बीजेपी के रणनीतिकार अच्छी तरह से जानते हैं कि तीन तलाक बिल का राज्यसभा की दहलीज पार करना कितना मुश्किल है। ऐसे में सुबह से ही हर समीकरण पर सरकार हिसाब लगा रही है। तीन तलाक बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई। इसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, नितिन गडकरी समेत दूसरे बड़े नेता पहुंचे। राज्यसभा में ट्रिपल तलाक पर वोटिंग के दौरान एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू गैर हाजिर रह सकती है। बाल विवाह की प्रथा इस देश में लंबे समय से थी, समाज भी जागा, शारदा एक्ट आया, तो एक्ट बनने से बाल विवाह पूरे बंद हो गए ये विषय नहीं है, लेकिन बाल विवाह में तेजी से कमी आई है, तो तीन तलाक में भी तेजी से कमी आएगी एक्ट बनने से। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया तो विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए। तीन तलाक बिल पर सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्षी एकता की भी परीक्षा होनी है। बिल पेश होने से पहले ही सियासी पार्टियों ने सभापति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिख इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, टीडीपी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम और आम आदमी पार्टी जैसे दल शामिल हैं। और ये रिलीजियस मैटर है और रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करना सुक्त नहीं है, अच्छा नहीं है, तो इसीलिए हमने ये कहा कि पार्लियामेंट के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स जॉइंटली मिलके एक बार इसको देखकर और एक बार इस पे निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब राज्यसभा में सभी पार्टियां इसको अपोज भी करेंगे। देखा जाए तो कांग्रेस मोर्चे वाले 114 सांसद बिल के खिलाफ हैं, वहीं बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 94 से आगे बढ़ती नहीं दिख रही। गेम चेंजर पार्टियों के पास 32 सांसद हैं, लेकिन किसी ने भी बिल पर अपना रुख अब तक साफ नहीं किया है। लोकसभा में तो तीन तलाक बिल आराम से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में संख्या बल बीजेपी के साथ नहीं है। ऐसे में यक्ष प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि क्या 2019 में तीन तलाक से आजादी मिल पाएगी।